दुष्कर्म हुआ था, 9 वर्ष की गुड़िया थी, और उस पूरे मसले को किस प्रकार से उसका राजनीतिकरण करने के लिए उस जघन्य अपराध के साथ भी राजनीति करते हुए राहुल गांधी उनके घर पहुंचे थे, और वहां किस प्रकार कानून को ताक में रखते हुए जो कानून के दायरे हैं उसको तोड़ते हुए राहुल गांधी जी ने उनके परिवार के सदस्यों के तस्वीर को, उनके माता पिता के तस्वीर को ट्वीट किया था, सोशल मीडिया में डाला था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय को आपके सामने रखा था कि ये पॉक्सो एक्ट और जो जुवेनाइल एक्ट है इन दोनों का उल्लंघन हुआ था। कालक्रम में एनसीपीसीआर ने भी इस पूरे विषय का संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर ने एक चिट्ठी लिखा था ट्विटर को, जो कि एक सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। उसका नतीजा रहा कि राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया था। ये हम सब ने मीडिया के माध्यम से भी देखा था। दुखद विषय है कि इसमें पूरी तरह से संवेदनहीनता दिखाते हुए, राजनीति करते हुए राहुल गांधी जी के जो अनुयायी हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने मैं भी राहुल इस प्रकार का एक ट्रेंड चलाया था कि मैं भी राहुल, और उसमें बहुत दुखद है कि राहुल गांधी के अनुयायी जो कांग्रेस में मौजूद हैं उन्होंने वही गलती की जो राहुल गांधी ने किया था। माता पिता के उसी तस्वीर को बिना ब्लर किए हुए, उनके आइडेंटिटी को रिवील करते हुए गैर कानूनी और गैर जिम्मेदारान तरीके से उसे ट्वीट किया था। जब ये एक तरह से ट्विटर वॉर इत्यादि चलता रहा तो बीच में खबर आई कि राहुल गांधी जी ने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की तरफ से एक चिट्ठी लिखा है ट्विटर को, और कहा है कि राहुल गांधी जी ने परिवार के सदस्यों की जो तस्वीर ट्वीट की थी That was after the due consent of the family of the victim. जो नन्ही सी बच्ची थी उनके परिवार से हामी अर्थात कंसेंट लेने के बाद राहुल गांधी जी ने वो तस्वीरें ट्वीट की थी। जब ये कंसेंट लेटर, तथा कथित कंसेंट लेटर कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्विटर को भेजा गया तो ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को अनलॉक किया। ये हमने मीडिया के माध्यम से देखा। आज एक बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसके विषय में अभी माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी बताया, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने कहा, और आज हम सुबह से टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि जो पीड़िता की मां है उन्होंने खुद बयान देकर कहा है, एक बार दो बार नहीं कई बार उन्होंने कहा मीडिया के माध्यम से कि हमारे परिवार से किसी प्रकार कोई कंसेंट लेटर नहीं दिया गया है, हमारे परिवार से कोई हामी नहीं दी गई है, कोई स्वीकृति नहीं दी गई है कि हमारे तस्वीरों को सार्वजनिक किया जाए। और आज हमने यह भी देखा कि जब वो मीडिया से रूबरू हो रही थी उन्होंने खुद के आइडेंटिटी को भी बचाया, उन्होंने खुद के आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से जो वो कह रही है कि उन्होंने कोई कंसेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी कि उनके परिचय को सार्वजनिक किया जाए, दुखद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने देश को इतना बड़ा झूठ बोला। एक चिट्ठी लिखा उन्होंने कि वी हैव टेकन द कंसेंट, कि हमने परिवार से स्वीकृति ली है, और परिवार आज मना कर रहा है। बंधुगण, ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। दिस इज अ सीरियस इशू। एक तो आप पीड़िता के ऊपर राजनीति कर रहे थे, आपने कानून देखा नहीं, आपने इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कानून को धता बताते हुए आपने पीड़िता के परिवार के तस्वीर को साझा किया, सार्वजनिक किया। जब आप पकड़े गए और पॉलिसी के हिसाब से ट्विटर ने आप पे और आपके अकाउंट पे कार्यवाही की तो आपने ट्विटर को और ट्विटर के माध्यम से देश को झूठ बोला कि पीड़िता के परिवार ने आपको स्वीकृति दी थी। दिस इज एक्सट्रीमली अनबिकमिंग ऑफ एनी रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर। देश का कोई भी जिम्मेदार राजनेता इस प्रकार का संवेदनहीन व्यवहार कर सकता है इसकी अपेक्षा हमें नहीं थी। राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दोमत नहीं है। राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गो टुगेदर, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस। राहुल गांधी जी समय समय पर देश को भ्रमित करते हैं, समय समय पर झूठ बोलते हैं, इसमें भी कोई दोमत नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए क्षमा याचना की,
मगर ये सब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से एक्सपेक्टेड था। किंतु रेप जैसे, बलात्कार जैसे, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के ऊपर पीड़िता के परिवार के साथ राजनीति करने के पश्चात उस विषय में झूठ बोले, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस प्रकार की संवेदनहीनता दिखाई जाएगी, संवेदन शून्यता दिखाई जाएगी, ये हम कदाचित नहीं सोच रहे थे। ट्विटर के ऊपर हम तो कमेंट नहीं कर सकते, मगर इतना अवश्य कहेंगे कि ये जो पूरा विषय आज उजागर हुआ है, आज जो पीड़िता की माता ने खुलासा किया है कि कंसेंट लेटर है नहीं, उन्होंने दिया नहीं है, हम आशा करते हैं कि ट्विटर इसका संज्ञान लेगा और राहुल गांधी जी के अकाउंट को पुनः लॉक करेगा, क्योंकि यह धोखा है। वैसे तो पब्लिक ने राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल अकाउंट बंद ही कर रखा है, उनका पॉलिटिकल अकाउंट तो लगभग बंद ही है। हम ट्विटर से भी कहते हैं इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना लीडर का अकाउंट भी लॉक होना चाहिए। He should not be given any public space for the kind of lies that he has spread, for the kind of fabrications that he has done, for the insensitivity that he has shown. बंधुगण, एक तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय था, दूसरा विषय भी उतना ही संवेदनशील और उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जन आशीर्वाद यात्रा, हमारे जो नव नियुक्त मंत्रीगण हैं उनके लिए जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुआ है और पूरे देश में हमारे मंत्रीगण जनता का आशीर्वाद लेने आज जनता के मध्य में हैं। बंगाल में भी हमारे मंत्री हैं, मगर अभी अभी जिस प्रकार की खबर बंगाल से आ रही है वो चौंकाने वाली है और वो दुखद है। 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को बंगाल में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जो भाग ले रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोई कारण नहीं दिया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा को जगह जगह रोकी जा रही है और सबसे दुखद है मतुआ समाज के पुरोधा, मतुआ समाज के बेटे शांतनु ठाकुर जी, जिनको मंत्री बनाया गया था, नवनियुक्त मंत्री थे, सांसद है बंगाल से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही दुखद है ममता जी, एक मतुआ समाज के बेटे के मंत्री बनने पर क्या इस प्रकार का व्यवहार जायज है? क्या ये मतुआ समाज को आहत नहीं करता है? अगर आज हमारे बीच बड़ोमा अर्थात बीना पानी देवी जी होती तो वो कितनी आहत होती, उनके आत्मा को कितनी चोट पहुंची है, ये आज मतुआ समाज का बच्चा बच्चा समझ सकता है। एक साधारण परिवार से आए, मतुआ समाज को रिप्रेजेंट कर रहे उनके मंत्री के साथ जिस प्रकार का व्यवहार आज बंगाल की सरकार ने किया है, मुझे लगता है ममता बनर्जी जी को उस पर जवाब देना चाहिए। वो 24 परगना, उत्तर 24 परगना से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक उसी प्रकार जॉन बराला और सुभाष सरकार, जो हमारे अन्यतम मंत्री है बंगाल से, उनके भी रैलियों को बाधित किया जा रहा है, उन्हें भी रोका जा रहा है। मुझे लगता है इस पूरे विषय का संज्ञान पूरा देश ले रही है। ममता बनर्जी जी जिस प्रकार का डेमोक्रेसी को बचाने का स्वांग तो करती है, लोकतंत्र को बचाने का स्वांग तो करती है, किंतु गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसद और मंत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बंगाल में किया जा रहा है, ममता जी को इस पर जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। प्लीज रविका। सभी जी, टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए पीड़ित की मां ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार ये भी कहा कि पीड़िता ने उनको सपोर्ट किया है, वो भी पूरी तरीके से गलत था। उन्होंने कहा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हमने कोई सिग्नेचर नहीं किया, कोई अंगूठा नहीं लगाया, बावजूद इसके कंसेंट का लेटर ट्विटर को दिया गया। तो आपको लगता है कि देश के इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस पार्टी के, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी बची है? देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, दोनों की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है एंड कांग्रेस आल्सो हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। दोनों की कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं है। हम तो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी होती तो कांग्रेस पार्टी पुनः उनको अध्यक्ष नहीं बना देती। और जहां तक आज ये जो खबर है जिसको टाइम्स नाउ ने और टाइम्स नाउ नवभारत ने भी दिखाया है, इस प्रकार के जागरूक
पत्रकारिता के लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को पब्लिक डोमेन में रखा है और इस संवेदनशीलता को हम सबको निभाना चाहिए कि परिवार को कम से कम इस प्रकार ठग करके उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल करियर को आगे करने की जो आकांक्षा जो इच्छा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की है वो अत्यंत ही निंदनीय है। हिमांशु रिपब्लिक भारत। सर एक अलग सवाल है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बट साहब और एक ओवैसी साहब, दोनों ही भारत सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर और तारीफ कर रहे हैं तालिबान की, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो तालिबान से बात नहीं कर रही, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जहां तक तालिबान और अफगानिस्तान का विषय है इस पर भारत सरकार ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि जो भारतीय वहां पे अभी मौजूद हैं किस प्रकार से उनकी सुरक्षा की चिंता करना, किस प्रकार से उनको इवैक्यूएट करना, ये भारत की प्रायोरिटी है। यूएनएससी ने भी भारत ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपने वक्तव्य को जाहिर किया है। इन ये सारे विषय पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। सरकार अपने इन सारे विषयों को लेकर चिंता भी कर रही है और इस विषय को पब्लिक के साथ साझा भी कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता के नाते इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहूंगा, किंतु कुछ राजनीतिक लोग जिनका नाम अभी समाजवादी पार्टी से आपने लिया, अगर इस पर राजनीति करने की चेष्टा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अत्यंत दुखद है। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही निंदनीय है। Shashi Tharoor is a repeat offender. He is the same person who in the yester years had said Hindu Taliban for India, Hindu Pakistan for India. He had used such kind of phrases for India which had only demeaned India. So I firmly believe to expect anything good out of Shashi Tharoor and the Congress party for India is expecting a bit too much. Shailendra Didi. सर आपने कहा ट्विटर को फिर से ब्लॉक करना चाहिए, राहुल गांधी का लॉक करना चाहिए, लॉक करना चाहिए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने झूठा दस्तावेज लगाकर दोबारा उनका हस्तक्षेपता है ट्विटर अकाउंट का, इस वजह से ट्विटर को दोबारा करने के लिए चाहिए और उनके ट्विटर पर रहने का हक नहीं है? देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ट्विटर ने अपने पॉलिसी के अनुसार राहुल गांधी जी के अकाउंट को लॉक किया था क्योंकि राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के कानूनों का उल्लंघन किया था, ट्विटर के पॉलिसी का भी उल्लंघन किया था और माता पिता के परिचय को सार्वजनिक कर दिया था, उनके आइडेंटिटी को रिवील किया था। मगर ट्विटर के उनके अकाउंट को लॉक करने पर राहुल गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा, कांग्रेस पार्टी ने उनके बिहाफ पे एक चिट्ठी लिखा कि राहुल गांधी ने जो भी किया है वो एक कंसेंट के आधार पर किया है, माता पिता ने कंसेंट दिया है कि हमारी आइडेंटिटी रिवील की जा सकती है। किंतु आज मीडिया के माध्यम से ये मालूम पड़ा कि ये कंसेंट लेटर झूठी, कोई कंसेंट नहीं दिया है परिवार ने, माताजी ने खुद बताया कि हमने कोई कंसेंट नहीं दिया है और जब वो खुद इंटरव्यू दे रही थी उन्होंने भी अपने परिचय को सार्वजनिक नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से एक झूठे चिट्ठी के आधार पर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि उनके अकाउंट को अनब्लॉक किया जाए, जो कि शायद कर भी दिया गया है, अनलॉक किया जाए जो कि शायद कर भी दिया गया है, मीडिया के माध्यम से हमने देखा, तो स्वाभाविक है ट्विटर को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखता, जो किसी पीड़िता के परिवार के साथ खिलवाड़ कर सकता है उनकी इमोशंस के साथ, क्या उसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहने का अधिकार है? ये हम सार्वजनिक रूप से पूछ रहे हैं।